आप हमारा विज्ञापन कार्यक्रम सुन रहे हैं। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है हमारी आने वाली फिल्म छोले के लिए कलंकारों की, माफ करें कलंकार नहीं कलाकारों की। हाँ हाँ, जो हमारी फिल्म छोले में टब्बर सिंह के रोल की अच्छी तरह मिट्टी पलीत कर सके। क्षमा करें, मिट्टी पलीत नहीं, जो इस रोल को अच्छी तरह निभा सके। आज ही हमें खत लिखें, हमारा पता नोट कर लीजिए, चौपटिया फिल्म्स, 420 कटहल वाली गली, टेसू अपार्टमेंट, जिला मनहूसपुरा, तहसील निगमबोधपुरी, सांड आश्रम के सामने। डमरू, अबे ओ डमरू के बच्चे। आया हुजूर। डमरू, हमने रेडियो में विज्ञापन दिया था क्या? क्या उसके बाद भी कोई हमारी फिल्म छोले में काम करने को तैयार नहीं क्या? ये क्या कह रहे हैं हुजूर, बाहर तो लाइनें लगी हुई हैं। लगी हैं क्या? तो सबको स्टूडियो ले चलो, बाहर हमारी खड़ी है क्या बैलगाड़ी। ये रहा हमारा स्टूडियो क्या? आपकी तारीफ। अबे ओ चुआरे। क्या? अरे अरे अरे, गांव में जब कोई बच्चा रोता है ना, तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और ये तीन हरामजादे हमारा नाम मिट्टी में मिला दी, इनको सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। अरे ओ सांबा, कितनी गोली है पिस्तौल मरे? हुजूर, 6 गोली। गोली 6 और आदमी 3, बहुत बेइंसाफी, बहुत बेइंसाफी है। अब ठीक है, गोली भी 3 और आदमी भी 3, देखें किसको क्या मिलता है। बच गया साला। ये भी बच गया। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा। ये भी बच गया, ये भी सुअर का बच्चा बच गया, ये भी बच गया। जो डर गया समझो मर गया। इसमें नाराज होने की कौन सी बात है बड़े भैये, अगर तुम इस रोल को नहीं करते तो हम कर लेते हैं। कसम भगवान की, कितने आदमी थे लालजी? वो 2 थे और हम 3 थे। वो 2 थे या तुम 3, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, पर तेरा क्या होगा कालिया। लालजी, मैंने आपका नमक खाया है। अरे ओ भागवंती, सुनती है, कहता है इसने हमारा नमक खाया है, दे इसे 1 चवन्नी और कह दे कि गुड़ खा के आए मगर मरे जरूर। भाई साहब, अरे अरे भाई साहब, ये दुकान अंग्रेजी की है या देसी की? क्या? अरे तुझे ये दुकान नजर आती है? ये स्टूडियो है, स्टूडियो क्या? स्टूडियो? हाँ स्टूडियो। क्यों जी, कितने आदमी थे? दादा 2 आदमी। 2 आदमी और बोतलें? दादा 3। कमाल है,
फिर भी नशा नहीं हुआ। तेरा क्या होगा खालिया? हुजूर मैंने आपका नमक खाया है। जो खा लिया सो खा लिया, अब पीने की बात कर नहीं तो फूट। बहुत खूब मेरे बच्चे। क्या पापा जी, अगर गब्बर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते? हम ये कहते कितने आदमी थे, दो जहां बना और तुम तीन आलमपना, फिर भी वापिस आ गए। क्या सोच के आए थे? हम तुम्हारी शादी शाही रक्कासा से कर देंगे। तेरा क्या होगा कालिया? जापना मैंने आपका नमक खाया है। मान सिंह ले जाओ इस नमक हराम गुस्ताख को, दरोगा जिंदान, दफन कर दो इसे शाही नमक के गोदाम में। तखलिया क्या चख लिया? किरा दोगी ने बकामात, हमने कुछ नहीं चखा समझा बेटा। हम अपने साथ पुदीने की चटनी लाए हैं, जिसकी तबीयत तो चख सकता। टब्बर सिंह कहाँ है? हमने पूछा टब्बर सिंह कहाँ है बेटा? हुजूर टब्बर सिंह का रोल तो आप ही को करना है ना? हमें करना है, ठीक है हम करते हैं, तुम देखो। कितने आदमी थे? दो आदमी थे बॉस। दो? और तुम? हम तीन थे बॉस। वो दो और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। क्या सोच के आया था अड्डा नंबर तीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, बेवकूफ कहीं के। तेरा क्या होगा कालिया? बॉस मैंने आपका नमक खाया है। बकवास बन, नमक मिर्च खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता समझे? मगर याद रखो, अगर अड्डा नंबर तीन की तरफ नजर उठाए तो आंखें निकाल कर गुलाब जामुन चिपका दूंगा समझे? चलो फूल। अब शायद मेरा नंबर आ गया है। ठीक है कालिया, अगर तुम सिर्फ इतना कहकर टालना चाहते हो कि वो दो थे और तुम तीन, तो मैं समझता हूं कि तुम अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हो। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नमक खाने का शौक है, इसी बीच नमक के चक्कर में तुमने मेरा भी नमक खा लिया है। पहले बहना यही तो है सांड आश्रम के सामने वाली फिल्म कंपनी, आया तो बिल्कुल ठीक जगह गई हम। आज बहना तू एक काम कर, तू सामने पान वाले की दुकान पर खड़ी हो, मैं ऊपर होके आती। हाय मैं देखती गब्बर सिंह का रोल मैं भी कैसा करती। हाय पहले कितने आदमी थे? अरे हाय मैं पूछ रही कितने आदमी थे? दो आदमी थे। हाय हाय दो के बच्चे, ये तो बताओ वो कितने थे? बुआ वो तीन थे। हाँ अरे मेरे घिया का लच्छा, देख क्या इतना रिया कह रिया, वो तीन थे। आए दो और तीन कितने हुए जरा बता तो। दो और तीन हुए पांच। हाय हाय आई कितना प्यार से बोल लिया बटुआ, देख कह रहे पांच। आए पांच को मेरे घर पे आना, वो भी वर्ती खिलाऊंगी।
खूब नमक खिलाऊंगी और देखिए खूब बजवाऊंगी ढोलक।